शिट, लगते मेरी सासू माँ आ गई, तो कहाँ छुपाऊँ मैं? एक काम कर, बेड में छुप जा। शोर मत करियो बिल्कुल भी। अरे यार तू अपने घर वालों को छोड़ क्यों नहीं देती? यार कैसे छोड़ दूँ, तू खुद बता मेरे को। अगर मैंने उनको छोड़ दिया ना, सारा शक मेरे ऊपर आ जाएगा और वो डिवोर्स भी देगा मेरा पति मेरे को फिर। अरे इतना टाइम हो गया और कितना वेट करना पड़ेगा? मेरी जान तो थोड़ा सा वेट कर बस मेरे लिए, तेरे साथ हूँ ना मैं कहाँ जा रही हूँ तुझे छोड़ के। चल ठीक है, ला पैसे दे मेरे को। ये पकड़। पूरे है ना? हाँ पूरे 10,000 रुपए है, तू चिंता मत कर। तुझे पता तेरे लिए क्या क्या करती हूँ मैं? ओह शिट, लगते मेरी सासू माँ आ गई, तो कहाँ छुपाऊँ मैं? एक काम कर, बेड में छुप जा। शोर मत करियो बिल्कुल भी। सृष्टि बेटा कितनी देर में दरवाजा खोला है, पर नहीं वो घबरा सी क्यों रही है? नहीं मम्मी वो घबरा नहीं रही, बस आपको पता तो है देखो कितनी ठंड हो रही है और ज्यादा काम करना पड़ता है ना मुझे, तो मेरे हाथ पर कांप जाते थोड़े से। फिर ये गद्दा क्यों उठ रहा है ऊपर आने? वो मम्मी मैंने कुछ सामान जोड़ रही थी अंदर, तो सामान ज्यादा हो गया तो वो ऊपर चढ़ गया, अभी मैं ठीक कर दूंगी उसको। अच्छा चल जल्दी तैयार हो जा बेटा, वो पड़ोस वाली आंटी ते भी कह आई मैं, बाजार चलना है। बस आ रही हूँ 10 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है बेटा। तू जल्दी कुछ कर ले, किसी दिन मरवाएगी तू मेरे को। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी करती हूँ। और एक काम किया कर, बिना फोन करे मिलने मत आया कर मुझसे। चल ठीक है, कल टाइम पे आऊंगा, फोन कर दियो। हाँ ठीक है। अब एक काम कर, या सामने दीवार से ना कूद के निकल जा। जा तो बार बार बच गई मैं। सारे दरवाजे बंद है ना घर के? आज कोई नीड नहीं है दरवाजे बंद करने की, घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि तू मेरे को ऐसे मौकों पे ही बुलाया कर। ऐसे मौकों पे ही बुलाया करूंगी आज के बाद। हाँ यार लेकिन तू जब आता है ना कॉल करके आया कर, उस दिन हम लोग बार बार बच गए थे वैसे। अरे मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया यार। रिचार्ज खत्म हो गया? उन 10,000 का क्या हुआ जो दिए थे मैंने? वो तो जब ही खत्म हो गए थे। अच्छा तो चिंता मत कर, मैं शाम तक करा दूंगी बस। मम्मी आप तो चले गए थे ना? क्यों बेटा हैरानी होगी देखकर? नहीं हैरानी नहीं हो रही, मतलब इतनी जल्दी कैसे आ गए आप लोग? आप लोग को तो शादी पे जाना था ना रिश्तेदार के घर। अच्छा पहले आ गए तो सब्र को ना तरह। अरे वो आप लोग अचानक से आ गए ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा घबरा गए, और कोई बात नहीं है। अच्छा ये कौन है बेटा फिर? ये मेरा दूर का भाई है, मेरे चाचा का लड़का है ये। हमने तो कदे ना देखा यो। मम्मी वो क्या है ना, ये ना फॉरेन में रहता है किसी काम के सिलसिले में, तो अभी आया हुआ था इंडिया में, तो मुझसे मिलने के लिए आ गया। आप लोग घर नहीं थे तो फिर मैं कैसे बताती आप लोगों को? बेटा हमने तो कदे ना देखा, कौन सा भाई है तू, किस तरह आकर लंदन? अरे बेटा दोनों एक सलाह तक करके बोल लेते, या क्या मैं बोल रही तू क्या मैं बोल रहा हूँ? बेराजी से ये भाई है, तू कोई भाई ना रिया कोई बाह ना। या नू साची ना बताओ माँ, इके बाबू दोरे फोन मिला जब बेरा पट्टा का असलियत खत है। नहीं प्लीज पापा को फोन मत करना, मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये और मैं शादी से पहले से जानते हैं दूसरे को, और हम दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा ने शादी मेरी अंकित से करा दी थी और इससे नहीं कराई। बेटा तू क्या बताओ है, यो चीज तो मैं पहले आता ये जानू हूँ, मैंने यो देख लिया था उस दिन, यो ऊपर का कूद का गया ना उस दिन मेरे नजर पड़ गया था। बेटा शादी के बाद ये काम अच्छे ना होते। मम्मी जी मैं क्या करूँ, मैं भी बहुत मजबूर थी, अगर मैं आप लोगों को बता देती आप लोग मेरे घर बोल देते, और फिर यहाँ से भी चली जाती और मैं घर से भी चली जाती, मैं बहुत मजबूर थी, मैं क्या करती, और आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचते मेरे बारे में। तू राजी इसकी गलियां रहना चाहो है ना, तो जो तुम ठीक ना कर लो।
हाँ माँ सही कह रही है तू, जब यही की गल्ला राजी है तो इसने इससे के हालात पर छोड़ दे, मैं इससे डिवोर्स दे दूंगा। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना, सॉरी अंकित, लेकिन मैं इस घर में खुश नहीं हूँ और मैं इससे प्यार करती हूँ, उसी के साथ ही खुश हूँ। बेटा हम तो बहाना बना कर गए थे बाहर, हमने दे रहा था यो बात बननी है और वो ही बनी पाई, जो तुमने ठीक लगा ना अपना कर लो राजी राजी। मुझे डिवोर्स दे दो बस, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए आप लोगों से। अरे तू पागल वागल है क्या, बिना पैसों के हम साथ कैसे रहेंगे? तो हम लोग तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, पैसा तो हम लोग कमा लेंगे। मैं सिर्फ तेरे पैसों के लिए तेरे साथ था, मैं तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करता, और जब पैसे हो ना मेरे से तभी मिलियो। दीपक दीपक मेरी बात तो सुन। ले बेटा किसा प्रेमी था वो छोड़ कर बाजी गया, अरे वो के साथ देगा? ये चोचले बेटा, शादी तो पहले जो हो लिया सो हो लिया, अरे शादी के बाद लड़का हो चाहे लड़की हो किसी ने ये बात सोबिया ना देती। अरे तू घर गृहस्थी मारी है, यो के करने लग रही है, इज्जत बेइज्जती भी को चीज हो है। माँ मैं कोना रखूं इसने। ले बेटा इतनी तगल वो काम हो गया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तू नूंगे की रही ना तू अड़े की रही। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे घर पे मत बताना ये सब कुछ, अगर आप लोग को मेरे पे विश्वास नहीं है ना, आप लोग को जो सजा देनी है वो सजा दे दो, आपको इस घर में नहीं रखना तो मत रखो, शायद मैं इसी के लायक हूँ। बेटा जब घर की औरत नाजाद चाल पड़े ना तो वो घर नहीं बचा करता, और शादी के बाद तो वैसे भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बेटा ये काम सो बहन ही देते, घर गृहस्थी मारी है तो उसे मजले गृहस्थी की चीज वो है, बहुत गलत करी है जो तू कर रही है। अरे रिश्तेदार यारे प्यारे सारे उन्हें बेरा लग गया, वे के कहेंगे? बेटा इज्जत बहुत बड़ी चीज हो, समझने वाले ना समझ जा, और जो तुमने ठीक लगा कर लो भाई, मैं तो कुछ नहीं कहती। माँ तू घर में बड्डी है, जो कर तू कहोगी मैं तनु ये कर लूंगा, आग गई इसकी मर्जी। कोई बात ना बेटा, माफ कर दे मेरे कहने पे। ठीक है माँ। बेटा समझ जा। मम्मी मैं आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगी ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दो। नुका करे बेटा, तड़के का भूलिया सांझ का घर ना जाओ, भूलिया नहीं कहते, तो माफी देने का हमारा फर्ज है बेटा। ठीक है माँ।